हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपसे मेरे एक ऐसे फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो आप सबको जानना चाहिए और समझना चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सबको समझना चाहिए। और वो क्या है? और वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। आप कैसे अचीव कर सकते हैं दोस्तों? आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की गई, राइट? लेकिन इन सारे में आपको बहुत सारे एसेट्स के बारे में बताया गया कि आप यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो। आज मैं उन सभी को आप भूल जाइए। आज मैं आपको ऐसे पांच एसेट के बारे में बताने वाला हूं जिस पे इन्वेस्ट करके आप बहुत ज्यादा अच्छा खासा गेन कर सकते हो, और इस पे ही आपको फोकस करना चाहिए। और वो क्या है? और एक ऐसा आपको मैं पॉइंटर बताऊंगा, पांचवा पॉइंट, जो आपको कहीं कोई नहीं बताया होगा, और वो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के। मतलब पहले चलिए जान लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या, हम बोलते किसे दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल, हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने के बाद इन फ्यूचर में चल के क्या ऐसा हो सकता है कि हमें पैसे कमाने की जरूरत ना रहे और बैठे बैठे हमारे पास पैसा है, कुछ ना करना पड़े हम? इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो क्या ऐसा हो सकता है? बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे ये तो सपने में ही पॉसिबल है, रियल लाइफ में तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पॉसिबल है। और इसी ऐसे ही एसेट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में चल के इसकी जो प्रॉफिट होगी, जो रिटर्न आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उसको मिला मिला के 15-20 साल के बाद आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे, जिसको एक बार निकाल के अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो इंटरेस्ट ही आपके पास इतना आने वाला है कि आप बहुत पैसा होगा वो आपकी जरूरत के हिसाब से, और उससे भी ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर कोई भी बैंक आपको 7% का एफडी रिटर्न दे रहा है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर 2 करोड़ रुपए अगर आपने बैंक में डाल दिया है, उसका इंटरेस्ट ही आपको 7% के हिसाब से 14 करोड़ आ रहा है, मतलब महीने में 1 लाख रुपए से ऊपर। तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर रहा है। और कोई इंसान है, अगर वो उसके खर्चे अगर महीने में 50,000 रुपए सब कुछ मिला के, तो भी वो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट से 50,000 खर्च करके 50,000 रुपए बचा लेगा, उसको री इन्वेस्ट कर सकता है। तो बेसिकली कंपाउंडली होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पावर है कि आप जो पैसा कहीं पे भी सेव कर रहे हो तो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है, फिर उस इंटरेस्ट के आने के बाद वो उसमें मिल जाता है, फिर से इंटरेस्ट आता है, फिर से इंटरेस्ट आता है, फिर से इंटरेस्ट आता है। तो इस तरीके से आपका एसेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपका काम चल जाता है दोस्तों, चल के जाता है, दौड़ता है। तो ऐसे पांच एसेट के बारे में मैं आपसे बताऊंगा दोस्तों जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सो पहला है शेयर मार्केट। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बोलते होंगे कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की गेम है, ये एक जुआ है। मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का और आंख बंद करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेशक ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने इसके बारे में पढ़ाई की, समझा है, समझते हैं इंडस्ट्री के बारे में, स्टॉक के बारे में, फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलने वाला है, उससे रिलेटेड कोई कंपनी शेयर मार्केट में है क्या, किसी का उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई डेथ है क्या, मतलब कोई उधार लेके वो चल चल रही है कंपनी, ये सारी चीजें आप मनी कंट्रोल में जाके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। पर्टिकुलर स्टॉक का आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, और सोच समझ के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप भरोसा करिए कि इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उसमें आप आराम से 10% सालाना कमा सकते हैं रिटर्न, अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। और हाँ, आपको एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, आप डाइवर्सिफाई करो। बैंक, ऐसा नहीं है कि बैंक में कर रहे हैं तो बैंक के स्टॉक्स में ही कर रहे हैं, या फिर अगर आप स्टील में कर रहे हैं तो स्टील में ही कर रहे हैं, राइट? या एनर्जी में कर रहे हैं तो एनर्जी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब में थोड़ा एनर्जी में, थोड़ा स्टील में, मतलब तो जो जो ट्रेंडिंग है, जो आपको लगता है फ्यूचर में चल के अच्छा हो सकता है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ रहा है दोस्तों, तो देखो कौन से स्टॉक्स है जो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड प्रोजेक्ट में काम करने वाली है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली ये एप्रिसिएटिंग एसेट है दोस्तों, मतलब जितना पैसा आप डालोगे ये लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा ही। अगर आप सोचोगे 2-3 दिन में निकाल लेना है तो ये आपके लिए नहीं है दोस्तों, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के।
दूसरा है म्यूचुअल फंड। अगर आपको फिर भी लगता है कि शेयर मार्केट आपके लिए रिस्की है तो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। म्यूचुअल फंड बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे स्टॉक्स का और फंड्स का, और उसमें रिस्क कम होता है बिकॉज उसमें प्रोफेशनल जो मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंस जो ये सब देखते हैं, वो फंड बनाते हैं बहुत सारे स्टॉक्स और फंड्स को मिला के, और उसमें भी आपको 10-12% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो है दोस्तों वो है रियल स्टेट। मैंने रियल स्टेट को भी रखा है। अब रियल स्टेट में फायदा क्या है कि आपका प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ेगा जब भी आप खरीदोगे, उसके नेक्स्ट ईयर प्राइस बढ़ता चला जाएगा, प्लस आपको रेंटल इनकम भी आता है ना, ये बहुत बेहतरीन बात। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिट, REIT, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक तरीके से रियल स्टेट का स्टॉक मार्केट आप बोल सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उस प्रॉपर्टी का जो भी प्राइस है वो आपको अकेले नहीं देना है, बहुत सारे कंबाइंड लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते हैं और जो भी उससे इंटरेस्ट आता है वो सभी लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं रियल स्टेट का स्टॉक मार्केट है। तो इसके बारे में आप रिसर्च कर जरूर करना दोस्तों। तो रेट हो गया, रियल स्टेट हो गया। अब इसके बाद क्या है, गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2009 में गोल्ड की जो प्राइसिंग थी वो 15,000 या 16,000 के आसपास थी 10 ग्राम, और आज के डेट में 2022 में देखो 54,000 हो चुका है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे तो 400% का रिटर्न 12 सालों में, बहुत अच्छा रिटर्न है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और पांचवा है जो बहुत यूनिक है दोस्तों, वो है बैम्बू फार्मिंग। जी हाँ, बैम्बू फार्मिंग। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बैम्बू एक ऐसा क्रॉप है जो करीब 90-100 साल तक सरवाइव करता है, और इसके मेंटेनेंस में आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पहली कटाई जब आप उसमें बीज को जमीन में डालते हो, किसान डालते हैं, उसके बाद जो पहली कटाई आप उसको सेल करने के लिए करते हो बैम्बूज को, वो 6 साल के बाद आप पहला कटाई कर सकते हो। लेकिन उसके बाद रेगुलर आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप ही वो उगता चला जाता है और आपको कुछ मेंटेनेंस नहीं करना है। बस हाँ, रख रखाव आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि फार्म में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है नॉल, लेकिन उसको कुछ आपको ज्यादा कुछ पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप होता है। और जब तक आप रहोगे इस दुनिया में तब तक आप उससे पैसा कमा सकते हो दोस्तों, आराम से। 100 साल का लाइफ होता है अप्रोक्सीमेटली एक बैम्बू का। तो समझ रहे हैं आप इसका पोटेंशियल कितना है, और हर साल आपको इसकी बिक्री, इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ता चला जाएगा और आपकी बिक्री भी बढ़ती चली जाएगी और आपका प्रॉफिट और आपका मुनाफा भी बढ़ता चला जाएगा। और भी बहुत सारे चीजें हैं दोस्तों जिसमें आप इन्वेस्ट करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये मेरा पहला 5 पॉइंट था जिसको मैंने रखा है, उसको छोड़ के आप बुक्स लिख सकते हैं। एक बार अगर आपका बुक अगर चल निकला तो आपको रेगुलर लॉन्ग टर्म में पैसा देता रहेगा और हमेशा देता रहेगा, जब जब वो बिकता रहेगा आपको उसकी रॉयल्टी आती रहेगी। दूसरा, आप वीडियोस बना सकते हो, यूट्यूब की ही मैं बात करता हूँ, यूट्यूब में आप वीडियो बना सकते हो। अगर ये एक बार मोनिटाइज हो जाता है तो जब जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तब तक आपको पैसा आएगा, राइट। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन मेरा जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो मैंने आपसे शेयर किया। और जब एक बार आपको लगेगा कि मतलब हो गया, अब आपको काम करने का मन नहीं है, ये सारे एसेट को आप फिर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और एक बार बैंक में जाकर फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 15-20 साल के बाद आपने टोटल 5 करोड़ रुपए आपने जमा कर लिए, मतलब कंपाउंड होते 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 आपकी सारी सेविंग 5 करोड़ रुपए हो गई, आप बैंक में डालो, उसके बाद उसका इंटरेस्ट ही इतना आएगा। अगर 7% के हिसाब से अगर आप काउंट करते हैं 5 करोड़ का, तो आप देखिए 35 लाख रुपीस आपको साल में इंटरेस्ट ही आने वाला है। और अगर आप उसको एक महीने में अगर आप काउंट करते हो तो कितना होगा, अराउंड 3 लाख रुपए दोस्तों। टैक्स वैक्स कट के चलिए मान लीजिए 1.5 लाख या 1,70,000, 80,000 या 2 लाख के आसपास भी अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं, 175 के आसपास होगा, 1,75,000 काफी है आपके जीवन को चलाने के लिए। अब 1,75,000 में आप जो अपनी जरूरत की चीजें हैं उसको खर्च करो,
और बाकी जो बचता है उसको री इन्वेस्ट कर दो। तो इस तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने पैसे को बचाएंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे, फिर री इन्वेस्ट करेंगे। ये आपको फ्यूचर में बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री कर सकता है दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हो। और इन्वेस्टमेंट हमेशा एप्रिसिएटिंग एसेट पे करना दोस्तों, ना कि डेप्रिसिएटिंग एसेट पे। डेप्रिसिएटिंग एसेट के एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे कार हो गया, फिर एसी हो गई, मोबाइल हो गई। जी हाँ, अभी आप बोलेंगे कि ये सब तो जरूरत है, ये तो करना बिल्कुल करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कमाई कम है और आप डिप्रिसिएटिंग एसेट पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उतना ही करें जितना ज़रूरत है, और कोशिश करें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको आपका एप्रिसिएटिंग एसेट पे हो, जैसे स्टॉक मार्केट, रियल स्टेट, गोल्ड, बैम्बू फार्मिंग, जो जो मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में भी अगर आप मेहनत करते हो तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी अगर आपको लगता है और भी कोई एप्रिसिएटिंग एसेट है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और कुछ अगर आपका सवाल है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।